हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तानिया। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तानिया टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, और आज के वीडियो का टाइटल है हाउ इंडिया एंड वर्ल्ड सेलिब्रेटेड इंडियन इंडिपेंडेंस डे। इस पर मैंने एक और वीडियो बनाई थी, पर वो पार्ट वन था, ये पार्ट टू है। तो जो जो कुछ कुछ उसमें मिस कर दिया था, वो सारा हम इसमें कवर करेंगे। और ये वीडियो वर्ड इन डिटेल्स की वीडियो है, इसका जो ओरिजिनल लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके ओरिजिनल चैनल को सपोर्ट करिए। बहुत अच्छी वीडियोस बनाई है, मुझे इनकी वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ प्लीज़ जाके इनके चैनल को सपोर्ट करिए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोज़ भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखने के बाद बातें करेंगे। अच्छा, इसमें नीचे किया है। वाओ, टाइम स्पेंड। ये तो पिछले वीडियोस में था। मलेशिया मडागास्कर ये था। It's from the International Space Station. It is a pleasure to congratulate India on 75 years of independence. ऊपर से बहुत सुंदर लग रहा है। रानी लक्ष्मी बाई हैदराबाद।
फ्रेंड्स वीडियो ही खत्म, और वीडियो देख के इतना, जैसे कि पहले भी बताया था, इतना ज्यादा इसमें मतलब गूज बम्स आते हो, इतना अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है अभी बहुत दिन तक सेलिब्रेट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इंडिपेंडेंस डे का जो क्रेज है लोगों पे, जहाँ देखो वीडियोस वायरल हो रही, कुछ वायरल हो रहा है, लोग मतलब इस बार का जो एक लग रहा था इंडिपेंडेंस वीक था, एक डे नहीं था, वीक लग रहा है मुझे तो, क्योंकि वही चला आ रहा है। और सच में वो स्पिरिट भी वही मेंटेन है, मेरे साथ तो यही हो रहा है कि आप सबके साथ हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, पूरा वीक मना रहे हैं। मेरे साथ ऐसा लग रहा है पूरा वीक बन रहा है, आई थिंक जब से चलते आ रहा है तब से पूरा वीक बना, मतलब मंडे को स्टार्ट हुआ था, लग रहा है नेक्स्ट मंडे को ही वो स्पिरिट चल रहा है, वो मतलब बूम पे। भाई कंट्री के लिए तो हमेशा रहता है, पर एक होता है ना कि फेस्टिवल्स में जितना वो रहता है एक्टिवनेस किसी चीज़ के लिए, वो पूरा इतना, और ये वीडियो को देख के इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले वाली वीडियो में जो एशियन कंट्रीज वो कवर नहीं की थी, यूएसए का भी बस फेमस कवर किया गया, तो ये अच्छा कि टाइम्स स्क्वायर पर झंडा लगता है तो यूएसए का झंडा ऊपर लगता है, इंडिया का थोड़ा नीचे, भाई ऑब्वियसली दूसरी कंट्री में थोड़ा सा अपना झंडा तो ऊपर रखेंगे, दैट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, हमें समझना चाहिए इस चीज़, ये तो सब समझेगा। और दूसरी बात ये लग रहा है कि हाँ मतलब वर्ल्ड वाइड इंडिया का कितना फेम हो गया, और हम इंडियंस को कितना, और चारों तरफ लोगों को प्राउड हो रहा है, ऐसा नहीं कि जो इंडियंस यहाँ रह रहे हैं उनको, ये जो फॉरेन में भी रह रहे हैं ना इंडियंस, वो अगर वो दूसरे देश की नागरिकता ले भी लिए बस वो इंडियन ओरिजिन के, तब भी उनको इंडियन फ्लैग को देख के उनको लग रहा है ये इज्जत, इतने दिन से वो वहाँ पे उस जगह रह रहे हैं, जिस भी कंट्री में रह रहे हैं, वो इज्जत नहीं मिले जो उनको आज मिल रही है, तो एवरीवन इज क्वाइट इमोशनल। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ों को देख के कि लोगों को कि ये पैट्रियटिज्म वाली जो फीलिंग है ये देश के लिए अच्छा है। पता है क्या होता है इस तरह की, सबको पता है हम इंडिया में रहते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, पर एक बार जो स्पिरिट को बूम पे लाना बहुत ज़रूरी होता है, और ये सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, एक बार हमें रिवाइव कराने के लिए कि हाँ हमें अपने कंट्री के लिए काम करना है, हमें अपने कंट्री के लिए स्टैंड करना, हमें यूनाइटेड रहना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। ये सारी वीडियोज़ पता है, ये सारी वीडियोज़ इसीलिए होती है, इसे देख के यही फीलिंग हर एक इंडियंस के अंदर यही फीलिंग आती है, और इस वीडियो का मोटिव भी, रियल मोटिव देखा जाए तो यही होता है कि इस तरह की वीडियोज़ बनाने का, कि हाँ हम जो फील कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कई वीडियोज़ में तो ऐसा होता है कि जो वो बोलना चाहते हैं वो बोल देते हैं, कई वीडियो सिग्नल्स वाले, साइंस वाले वीडियोज़ जिसको आपको देख के समझना पड़ता है कि वो आइडेंटिफाई कर क्या कर, इसको आप हर इंडियन जो देखेगा उसको यही लग रहा होगा कि हाँ अंदर से एक अच्छी फीलिंग आ रही होगी कंट्री की, तो एक सेंस ऑफ कमिटमेंट आ रहा होगा कंट्री के लिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही होगी कुछ अच्छा नागरिक बनने का, कुछ अच्छा करने का, बस इस वीडियो का सिग्नल यही हुआ। अगर आपके मन में ऐसा कुछ फील हो रहा है तो ये समझिए कि वीडियो देखने का आपका पूरा मोटिव सक्सेस हो गया, बस दिस वॉज द ओनली मोटिव। और मेरा भी यही मोटिव था इस वीडियो को, क्योंकि मैंने एक पार्ट ऑलरेडी बना लिया था, फिर भी मैंने ये पार्ट बनाया कि मैंने कहा कोई बात नहीं हम पूरा वीक बनाएंगे। सो यही सब चल रहा है, और पूरे वीक ज़्यादातर अब मैं इस तरह की वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि हम इंडिपेंडेंस डे वीक बना रहे हैं, डे नहीं, ठीक है। और अगर आप कुछ चाहते हैं कि आप, मैं कोई आपके रिकमेंडेड वीडियोज़ पर रिएक्ट करूँ, तो उसका लिंक आप कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।